मॉर्निंग का टाइम है, ज़ियान को उठाना है और थोड़ा लेट हो गया मॉर्निंग, और आज जुमा भी है। और यहाँ पे हमने पूरा सफाई, डस्टिंग, क्लीनिंग सब कर दिया, सिर्फ यहाँ पे पानी वानी का काम करना बाकी है। और पोछा मारूंगी और वो डोरमेट बोल रही हूँ मैं, ये जो कारपेट है वो यहाँ पे। ब्रश करने के बाद मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी फेस वॉश के बाद, और आपसे मिलती हूँ। वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल सैयद ज़ीबा व्लॉग्स पे। मेरा दिन का आगाज हो गया, मैं फ्रेश हो गई हूँ। और ये दुपट्टा जो है ना, ये सूट मैं मतलब हर टाइम ये दुपट्टा मैं नहीं वेयर करती हूँ, मैं कॉटन दुपट्टा वेयर करती हूँ। बट अभी क्या है ना कि जब मैं आपसे इस तरीके से बात करती हूँ तो कॉटन के ना जिसमें बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, ये थोड़ा सा फैंसी टाइप के रहते हैं। और ये मतलब इसका मटेरियल वाइज मैं बोलूँ तो ये है क्या, सिल्क टाइप का नहीं रहता है, चंदेरी सिल्क, तो वही दुपट्टा है। और फैंसी दुपट्टा है तो ये मैं थोड़ा सा हल्का सा वेयर कर लेती हूँ, इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लुक लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कॉटन चिपक जाते हैं। वैसे मैं कॉटन भी वेयर करती हूँ क्योंकि अभी मुझे किचन जाना है और भी बहुत सारे काम करना है, घर में छोटे बड़े रहते हैं तो मैं कॉटन ही ओढ़ती हूँ अभी। लेकिन आपसे सलाम कर रही है तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये वाले वेयर कर लेती हूँ। छोटे बड़े क्लिप के जरिए आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और अच्छा लगता है, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता हो तो लाजमी आपको लाइक करना है। और अभी मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी और हैप्पी फील होता है कि मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ है। तो कुछ भी करना होता है तो मैं उनसे पूछ के करती हूँ। और मतलब कुछ भी करना मीन्स कि कुकिंग में, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है मुझे सरप्राइज़ दूँ। वैसे मैंने उन्हें देती भी रहती हूँ बिरयानी वगैरह, जैसे उनको नहीं पता रहता है तो मैं बना देती हूँ तो वो शॉक्ड हो जाते एकदम से, चिकन कब आया, अच्छा तुम बिरयानी कब बना दी। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, मैं क्या ही उनको टेंशन दूँ कि ये चीज़ लाइए वो चाहिए, वो अपने प्यार से खुद ही लेते आते हैं। मुझे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस टाइम पर मुझे दोनों बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना, थोड़ा बहुत नीट क्लीन करना, थोड़ा बहुत मैंने कर चुकी हूँ। और मैं सोच रही कि इस तरीके से आपसे बात करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वीडियो में जुमा का देखिए, आपको मंजर दिखाती हूँ। यार बहुत ही ठंडी और प्यारी खूबसूरत हवा चल रही है अभी, और वेदर बहुत अच्छा है। देखिए आसमान में सिर्फ बादल ही बादल हैं, नीले नीले आसमान हैं, नीचे सब सब्ज। टू गुड, बहुत अच्छा एयर आ रहा है, बहुत ही अच्छा एयर आ रही है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब मैं चली अब किचन। आप लोग यहाँ पे हो, देखो पापा भी यहाँ पे, पापा को एलिफेंट दिखला रहे थे। हाँ एलिफेंट दिखा रहे थे पापा। तुम बेफेलो को एलिफेंट बोलती हो ना। और यहाँ पे देखिए पापा, आप देखिए ये जनारा जान के पापा दे, इसका जुगाड़ आपको करना है, मेरा कर दीजिएगा। बादल बादल एक बहुत अच्छा वाला मौसम है। चलो मैं चली किचन, फ्रेश होके आ गई हूँ किचन। और इस तरीके से मैं आज पराठा बना रही हूँ, ये रेडी हो गया है और गरम गरम। आज जुमा है और बहुत सारे काम तो ऑलरेडी सबके घर में रहते हैं, तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना नाश्ता रेडी होकर बना रही हूँ। उसके बाद मैं दोनों बच्चे को शावर दूँगी, अपने हस्बैंड को बोलेंगे कि आपने नहा लेना है, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, फिर लंच बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो जो भी मैं करूँगी, अभी तो पराठा बना रही हूँ, आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। और ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड के लिए 2 पीस मछली फ्राई किया क्योंकि मैं उतना लाइक नहीं करती हूँ। यहाँ पे ये मेरा फेवरेट हो गया और मेरे बच्चों का, और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। और यहाँ पे मैं चपाती निकाल रही हूँ, चपाती नहीं, मैंने नॉर्मल जो पराठा बनते हैं वही बनाया अभी। तो खाना सब हैंड वॉश करके आ जाओ बेटा दस्तरखान पे, नाश्ता कीजिए आप बेटी के साथ। नहीं हम भी खाएंगे, आप खाइए ना, आपके साथ साथ हम अपना चाय लाते हैं। फ्राई का बर्तन हमने वॉश कर लिया, नाश्ता हो गया है हमारा। कॉफी बनाने जा रही हूँ नाश्ते के बाद। और माशाल्लाह मेरी कॉफी का लुक तो देखिए, सो यम्मी एंड डिलीशियस। देखिए कॉफी पीजिए। मामा पिएगी, मामा ये मामा का फेवरेट है। आप 1 कप कॉफी पीजिए फिर हम आपका पेडिक्योर करेंगे। जल्दी इधर देखिए, लीजिए ठीक है, पेलिंग रख दो का ये करेंगे ठीक। लो निकालो, इसी से पापा का करेंगे, इसको वहाँ पे रखो, लो इसको भी रखो, ये भी लो, तब मम्मा करेगी। आज इसका भी यूज़ करेंगे, कल कॉम्ब निकाला था, आज ये निकाल रहे हैं। कल हम कॉम्ब निकाले थे वुडन वाले, आज ये फीमेल स्टोन निकाले, ठीक है। अब आप रेडी हो, सब इधर रखो। हम पानी मिला रहे हैं, हट जाओ सुनहरा। अब इसमें आप पैर डालिए, एक पैर बिस्मिल्लाह करिए, डालिए डालिए, और उसको भी डालिए। वाह, अब हम आपको करते, पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे आपका ये करेंगे, नेल वगैरह भी काट देंगे, फिर स्क्रैबिंग कर देंगे, फिर मॉइस्चराइजर लगा के आपका हो जाएगा पैडिक्योर। आपको बहुत आराम मिलेगा। आई फेस का भी कर दे, पूरा कर दो, मेरा आ जाता हूँ, मेकओवर कर दो। हैप्पी हैप्पी फील होगा, जुमा है क्योंकि आपको टाइम भी, आपको नहा शावर लेके जाना है नमाज पढ़ने के लिए। ये हम ले लिया आपके लिए, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको, फील कैसा हो रहा है बाबू? आराम मिल रहा है आपको? पता है हेयर वैक्स की जरूरत है। मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि अब मैंने अपने हस्बैंड को ना करना है मैडी की, और मैंने इनसे बोला था, ये बोले अच्छा ठीक है कर देना। तो आज फ्राइडे है इत्तेफाक से, तो मैंने सोचा चलो ये वाला हम मॉइस्चराइजर लगा दे रहे हैं। मॉइस्चराइजर नहीं है ये, क्रीम है वो वाला, एड़ियों में जो लगते हैं। यहाँ पे रख दी पापा के पैर के पास। देखिए अब आपका पैर बाबू देखने के लायक हो गया माशाल्लाह। वैसे भी आपका पैर बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे हल्का हल्का मॉस्किटो जो काटा है ना आपको। अब बाहर जाते हैं, देखिए वाओ कितना प्यारा लग रहा है। मेरी बेटी के पैर के बारे में बोलिए। आपकी बेटी का पैर बहुत प्यारा है और आपका भी अच्छा। आपको आराम रिलीफ मिला बाबू? सच बोलिएगा आराम मिला। अब आपका फेस का करें, फिर नमाज पढ़ के नमाज पढ़ने जाइएगा, नहा के नमाज पढ़ने जाइएगा। पापा के करने के बाद मैंने अपना भी थोड़ा बहुत कर लिया और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है सच्ची में। और ये देखिए डेड स्किन का पूरा गंदगी देखो। और अब मैं पोछा मारूंगी फाइनली। अब पता है ये करना चाहिए एक्चुअली में मगरिब के बाद रात में सोने से पहले। इससे क्या होता है ना कि पूरा आपका ये जो हील करता है क्रीम, बहुत अच्छा हील करता है, ये रिपेयर करता है। देखिए कितना सॉफ्ट और अच्छा हो गया मेरा भी और इनका भी। फीलिंग आ रहा है। आप बोलने का नहीं है आप, ठीक है। सारा काम हो गया, अब सिर्फ मैं दूर दूर तक पूरा पोछा मार ले रही हूँ, क्योंकि नहाने फिर जाऊँगी ना, फिर लंच भी बनाना है। आज जुम्मा मुबारक है, तो यही सब छोटे छोटे काम है तो अच्छे से कर ले रही हूँ। आप लोग का जुम्मा कैसा जा रहा है? आप लोगों ने अपने घर में क्या क्या कर रहे हैं? आज जो सुना रहा, गीला पे नहीं चढ़ना बेटा, गीला पे नहीं चढ़ो मेरा बच्चा। मामा काम कर रही है ना। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक आपको। ठीक है जाइए नमाज पढ़ने। अच्छे लग रहे हैं आप ये जुब्बा में। इधर प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह। और अभी जोहर का वक्त है, मेरे हस्बैंड गए नमाज के लिए। चलो जाए, हेलो अंदर आ चुकी हूँ और नीड भी हो गया घर ऑलमोस्ट। तो मैं अभी जा रही कपड़ा धोने के लिए। तो ये वाला सर्फ मैंने एरियल सर्फ मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो अभी ये बहुत अच्छा सर्फ है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी बता देती हूँ। कोई अच्छा सर्फ चाहते हो आप तो एरियल आप मंगा सकते हो। ये हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था। हमने पूरा रूम को क्लीन कर दिया अगेन। बच्चे लोग का मैं जा रही हूँ शावर दिलाने। मैं भी ऑलमोस्ट पूरी गीली हो गई हूँ। कारपेट को मैंने पोछा मार के आराम से सुखा के लगा दिया। देख सकते हैं आप पूरे सूख गए हैं मेरा फ्लोर। यहाँ पे इस तरीके से मैंने टॉवेल हैंग कर दिया। जियान के पापा गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो वो शावर लेके यहीं पे छोड़ दिए थे। तो सफ़र में हमने मतलब पूरा रूम क्लीन कर लिया। अब वो आएंगे, थोड़ा सा मैं अतर वगैरह छिड़कूंगी तो छिड़क लूँगी मैं, क्योंकि मैं शावर लेके वैसे भी अतर लगाऊंगी तो खुशबू तो ऑलरेडी हो जाएगी। होने जा रहा है, तो यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। दाल चावल बच्चे के पसंद का, और यहाँ पे हो गया भरता के लिए आलू और चावल। तो आज और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शावर लेके आ गई हूँ। और ये वाला वाइट मस्क मैं अतर लगाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट अतर है। तो भी मैं ये खुशबू लगाती हूँ, क्योंकि जुम्मा को तो खुशबू लगाना वैसे भी सुन्नत है और मुझे भी अच्छे लगते हैं इनकी हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू। ये का जानेमाज और मेरा जानेमाज अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे नमाज हम दोनों अदा करते हैं। आप भी बैठिए बेटा। बिज गया यहाँ पे मामा का, बिज गया। और अब नमाज के बाद सूरह काफ पढ़ूंगी। ये सूरह काफ मैं अभी पढ़ूंगी। क्या गए जियान के पापा, और ड्रेस भी तुरंत में वो क्या पहन के थे आप? कंदूरा, वो भी उतार दिया। और अभी फिर बाहर जा रहे हैं। बोल रही हूँ खाना खा लीजिए, वो बोले नहीं आके खाऊंगा। अभी अच्छे लग रहे हैं आप, कितना मिरर में देखेंगे, मेरा कैमरा भी देखिए कुछ। हाँ बोलिए। तो अभी जा रहे बाहर है ना जी, आके खाएंगे। तो हम आपका वेट करते हैं। देखिए आपकी बेटी पाउडर गिरा रही है पूरा। ओह शिट, अभी ये पाउडर भी गिरा दी। कुछ दिन पहले भी पूरा गिराई थी, अभी थोड़ा सा बच रहा था उससे भी गिरा दी। शिट यार, पापा चले गए। नहीं बेटा आप नहीं जाओगे, आप घर पे रहोगे मम्मा के साथ। अंदर घूमो, पापा आ जाएंगे। कभी बाहर गया तो बट मैं ये वाला चॉकलेट एक बार टेस्ट करके अभी देखती हूँ कैसा लगता है इसका टेस्ट। क्योंकि मैंने अभी ओपन किया है। इसका कलर कितना प्यारा ऑरेंज। पापा मत करो मेरी लल्ला। देखो आप, अब अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि शावर के बाद सो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ना शाम में पापा के साथ जाना, अभी प्लीज सो जाओ सो जाओ। मामा नींद सुला देती है आपको। सो जाओ ऐसे ऐसे हो जाओ, आग बंद कर लो, आई क्लोज। आएंगे पापा। पापा भाईजान के साथ बाहर गए ना, बाहर जाओगे पापा के साथ? अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे पहले सो जाओ, सो के उठना तो फटक से पापा आ जाएंगे। वो नहीं रही है, तब तक मैं कपड़ा पसार देती है बाहर। यहाँ पे तार पे ऐसे डाल देते हैं। ये मेरी चीज़ तो बोलना आपको दिखाना भूल ही गई। जब मैं कल मार्केट से आई तो मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा काम किया। यहाँ पे दो और एकदम से देखिए मजबूत वाला ये अलगनी डाल दी है। सो थैंक यू। वो रहता ना मुझे ये सब चीज़ों का ना बहुत आराम मिलता था मेरे। तो इस तरीके से उन्होंने अलगनी डाल चुके। इसे तारे बोलते हैं ना, हम लोग बचपन में अलगनी बोला करते थे। चलते हैं फिर रुक जाते हैं, बट वेदर बहुत अच्छा एकदम बदली बदली अभी इस टाइम पे हुआ मेरे। और मेरा अलगनी जो मेरे हस्बैंड बनाए वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो मैं नीचे ऊपर करके अब आराम से यहाँ पे कपड़े हमारे डल गए हैं। सुनैरा आ जाओ अंदर, ममा अंदर जाएंगी और ममा अंदर आएगी। बेटा आ जाइए आप। तो सो ये बहुत अच्छा हो गया। चली गई बेटा। नहीं सो जाओ प्लीज़। दाल को अच्छे से घोट लिया, गल गए हैं। इसे छौका मारूंगी जीरा का फोड़न देकर और मछली फ्राई करूंगी। हमने कुक कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। नीचे देखिए सब्ज़ और सूरज मीन्स की जाने का टाइम है। अभी सिर्फ असर का आज़ा हुआ है, बट मेरे हस्बैंड इजान के साथ बाहर गए हुए हैं। तो वो जब आएंगे तो साथ में हम लोग अभी खाना खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये विंडो मतलब किचन के विंडो से देखो या रूम के, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। और भी सनसेट। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दाल भरता चावल और मछली फ्राई बनाया खाना, वो खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फोन पे बात करते करते मेरा एंजाइटी का खाना खा लिया जी हाँ। तब आज कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज इसलिए पूछ रहे ना कि आपके फ्रेंड हमारे दोस्त का मडवा भी है। मडवा है हाँ, इसीलिए। और आज आपका फर्स्ट इंशाल्लाह टूर्नामेंट। इंशाल्लाह कल बारात भी जाएंगे और आज हमारा टूर्नामेंट का मैच भी है पहला। हाँ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जीते। यस यस बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू। यस वेलकम। लव यू कब बोला? दिल में आप कह दिया तो। हाँ जी 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 वो तो आप रहते ही। ये यहाँ पे हमारे हाथ में क्या लग रहा है? मैं भी एकदम सिंपल सा इत्तू सा कौन बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मगरिब का टाइम है। मेरे हस्बैंड भी खावा के अभी थोड़ा सा बाहर गए हैं, तो मैं दोनों बाबू के साथ थी तो एवी लगा दिया और उनका नाम भी लिया हमने। तो अच्छे लगे होंगे कि कलर देखते कैसे आते, क्योंकि इनके फ्रेंड की वेडिंग भी आने वाली है। जुनैरा ये बेटा अच्छा लग रहा है मेहंदी। मामा का बाबू का कहाँ है? या तो मामा लगाई है देखो। और तुम गिठिया खा रही हो? एक हो। हस्बैंड का फ़ोन आया कि अगर आपको जाना है तो आप आ जाओ, जुनैरा को रेडी कर लो, मड़वा है। और मैं वो तो बाहर में है, तो मैं जुनैरा से पूछ रही जुनैरा ये वाला ड्रेस पहनोगी? ठीक है। ये जुनैरा का मैंने रेडी करना, ये मैंने येलो अपना खुद का निकाल दिया। तो बस 2 मिनट में अब रेडी होती हूँ मैं क्विक। इस तरीके से रेडी हो गई हूँ तुरंत। हमारे यूट्यूब के फैमिली अगेन मैं सलाम कर रही हूँ। और शाम का 7:15 हो रहा है और मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ। बस लिपस्टिक हमने थोड़ा डार्क लगाया। मीन्स की मैं हमेशा बेबी पिंक कलर लगाती थी, आज थोड़ा सा आज रूबी रेड मैंने लगाया शेड। इसका रूबी रेड शेड है। और ये इस तरीके से मेरा मेहंदी छूट गया इजान जुनैरा को तैयार करने में। इजान तो रेडी थे और मैंने बैंगल्स भी ले लिया। और बस मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती, वो नीचे आ जाएंगे, साथ में चलते हैं। क्योंकि उन्हीं के फ्रेंड क्या है और पास में ही हमारे मोहल्ले के सामने ही है, तो जो भी अगर मैं कैप्चर करी तो ठीक है और नहीं करी तो कोई बात नहीं। बट हाँ मैं अभी जा रही हूँ। मड़वा सारे में नहीं है, हल्दी भी है, मतलब कुछ कुछ फंक्शन से, क्योंकि कल बारात है। तो बस हो गया मेरी छोटी सी तैयारी। आपको कैसी लगी कमेंट पे। ये देखो माशाल्लाह दोनों बाप बेटी और बेटा। ये जो शामियाना दिख रहा है यही लोग जेंट्स लोग मर्द हजरात आकर बांधते हैं, तो वही फंक्शन होते हैं शामियाने। यहाँ पे चाय सबको बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जुनैरा और मैं भी ले हुई हूँ। शादी में आई है। शादी में आई है। कुछ बोल नहीं। ए मुनिया जा। गला का लॉकेट है, अच्छा सब अच्छा। यहीं पे धीरे धीरे आ रही है मेरे दोनों बच्चे, तुम आगे आगे आ गए। ओए तो उतना ऊपर नहीं जाओ बेटा, गिर सकते आप। हाँ बेटा मुआजम, मेरा बेबी क्यों तंग है। आओ अंदर, 8:30 होते होंगे। तो खैर मैं घर अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हूँ और अब कपड़े वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि मैंने हल्का ही पहना था। मेहंदी भी कलर कल तक मॉर्निंग तक आ जाएंगे क्योंकि मैंने हल्का सा लगाया था। मेरी मेहंदी भी छूट गई और छोटा जैसा फंक्शन था, सेरेमनी था, तो हम मीन्स कि मेरे बच्चे और मैं आ गई घर। और अभी इस टाइम पे मैं सोच रही 8:30 हो गए हैं, देख सकते हैं आप टाइम 8:35 मीन्स कि 8:45 होने वाले हैं। तो अभी मुझे दोनों बच्चे को देखना है। मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि अभी टूर्नामेंट आज से स्टार्ट हुए हैं, कल से स्टार्ट हुए बट इनका टीम आज से है। तो मैं ये भी दुआ करूँगी अल्लाह से कि इनको कामयाब करे क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इनकी भी स्टोरी बताऊंगी कि लास्ट टाइम ये इन्होंने फर्स्ट आए थे और किस तरीके से बहुत ही मेहनत से इन लोगों ने पूरा टीम बहुत मेहनत किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ये इंडिया आते हैं ड्यूटी से, मतलब आते वोकेशन पे, तो टूर्नामेंट पकड़ा रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है कि चलो इसी बहाने ये थोड़ा सा खुश हो रहे हैं। मतलब क्योंकि इंसान शादी के बाद बच्चे होने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान में आ जाती है, तो अपनी जो बचपना होती है ना वो छूट जाते हैं। तो अभी इनको भी थोड़ा सा जॉली मूड के हैं तो मज़ा आ रहा है। ये भी इनको खुश देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ये अभी इधर है तो लेट आएंगे, थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा। तो फिर डिनर विनर करूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वीडियो को भी एडिटिंग मुझे करना है क्योंकि ये मैं किसी को बोल नहीं सकती कि आप करो, क्योंकि किसको मैं बोलूँगी, कौन करेगा। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो मुझे ये भी ध्यान रहता है क्योंकि माइंड को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। ये वो ऐसे करना, ये करना, वो करना। फिर कल इंशाल्लाह कल की व्लॉग कैसा होगा नहीं होगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। आज कैसा लगा आप लोगों को, आप कहाँ से देख रहे हो, आपके इधर वेदर कैसा है, आपने जुमा को क्या क्या किया, आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। मैं कमेंट रीड करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और अच्छा मिलता है जिनकी अच्छी कमेंट रहती है। खैर सारे लोग बहुत अच्छे करते हैं, बहुत प्यार देते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तमाम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वहाँ से आने के बाद आराम से यहाँ पे गरम गरम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने पराठा यहाँ पे बना लिया। इस तरीके से मैंने लोई ले लिया है। बस इस तरह अभी कॉफ़ी पी लेती हूँ।